नमस्ते सबको। स्ट्रीट बातें में आप सबका स्वागत है। स्ट्रीट बातें में आज हम बात करेंगे रक्षिता सिंह के बारे में। चलिए सबसे पहली बात रक्षिता सिंह के बारे में, हम पहले बता दें कि हम ट्वेल्थ क्लास और नीट एग्जामिनेशन को जोड़ नहीं रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर बच्चा ट्वेल्थ में अच्छे ला रहा है, स्कूल में अच्छा पढ़ता है तो नीट में भी अच्छा करेगा। हम आपको बस एक बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। रक्षिता मैम ने अपनी जोश टॉक वाली वीडियो में और अपनी नॉर्मल वीडियोस में भी काफ़ी बार ये बात कही है, मतलब वो बनाती रहती हैं जो अपने स्केड्यूल से बनाते रहते हैं बच्चों के लिए, 2 महीने के, 1 महीने के, 1 हफ्ते के नीट एक दिन में, 1 हफ्ते में कैसे क्रैक करें, वो वाली जो वीडियोस वो बनाते रहते हैं। उन्होंने उसमें काफ़ी बार ये चीज़ कही है कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थी। हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा एवरेज स्टूडेंट का डंका बजाया जाता है। देखिए आप जितने भी बच्चे हमको सुन रहे होंगे जो असली में नीट एस्पिरेंट होंगे, जो 2024 के नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो रक्षिता मैम को फॉलो करते हैं वो तो और भी ध्यान से सुनिएगा कि रक्षिता मैम जिनको आप समझते हैं कि नहीं वो भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, उन्होंने 3 महीने में नीट क्रैक कर दिया, गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिल गया, वो सब कुछ अपनी लाइफ उनकी सेट है, कितनी अच्छी है वो, जो भी है अच्छी तो खैर वो बहुत होंगी, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं होंगी, कि उन्होंने खुद ने जो अपने आप को एवरेज स्टूडेंट कहा है, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट कहने से एंगेजमेंट ज़्यादा आनी है। आपको पता है कि एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं वो सबसे ज़्यादा हैं टॉपर क्लास के अंदर। आप खुद देखिए, अगर आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, जिस भी कक्षा में आप जाते हैं, टॉपर कितने हैं आपको पता होगा, 3 या 4 होंगे, 5 या 6 या 10 या 12, उससे ज़्यादा टॉपर नहीं। जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं जिनका मन भटकता है, जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो बिलो एवरेज और एवरेज। देखिए हमने एवरेज और ये वाली बात को जो हमने कही है 90% वाली, इस वाली बात को हमने इसलिए पकड़ा है क्योंकि बच्चा होता है जो बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है। अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट है और एवरेज स्टूडेंट है तो आपको पता होगा आप स्ट्रेटेजी बनाने में ही बहुत टाइम लगा देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आखिरी तक, मतलब आप समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा टाइमिंग क्या है, मतलब आपका टाइमिंग क्या है, आपके लिए कौन सा टाइमिंग सबसे ज़्यादा सूटेबल है। हम उसी को बार बार एनालाइज करने में, उसको बनाने में, वो चीज़ को समझने में ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। इस इंसान को पहले से पता है, अपने स्कूल टाइम से पता है कि उसके लिए क्या चीज़ परफेक्ट है, मतलब हमारे कहने का ये मतलब जिसे पता है, जो पढ़ता है पहले से ही, जो बच्चा पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि वो नीट में ही आया है कि नहीं मेरे तो भाई 60% आए थे और मैं तो अभी बस अभी फाड़ के रख दूंगा ये वो। तो अगर वैसा जो बच्चा है उसको बहुत दिक्कत है इस चीज़ में, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि उसकी पूरी जो भी उसकी मेहनत है उसे किस तरीके से करनी है। पर वो चीज़ एक 90% वाला बच्चा समझ सकता है अपने लिए, उसको पता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मेरे लिए ये चीज़ सूटेबल है, मैं किस तरीके से पढ़ सकता हूँ, मैं दीवारों पर लिख के पढ़ूँ या फिर पन्नों पर लिख के पढ़ूँ, तो उसको ये चीज़ पहले। ये तो हो गई नीट और CBSE की बात, जो हम जितना आपको बता सकते हैं उस बात पर, जितना इन्होंने अपने बारे में बताया उस बात से यही बात हमें जितनी समझ आई उतनी हमने आपके सामने रख दी। अब दूसरी बात की तरफ, इन्होंने एलन कोटा से ड्रॉप लिया था, ये एलन कोटा गई थी पढ़ने के लिए और साथ में रक्षिता मैम के मम्मा भी गए थे, इनके छोटे भाई भी गए थे इनके साथ कोटा। हमने जानबूझ के वाली बात कही है कि इनकी मम्मा और इनके भाई गए थे साथ में, क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियोस में काफी बार ये चीज कही है जो वो अपनी 3 महीने की वीडियोस बनाती है ना, कि 3 महीने में नीट उन्होंने कैसे किया, जो अपने वो स्केड्यूल वगैरह बताती हैं। तो हम बस इसलिए ये चीज़ कहे कि उनका ये कहना था कि उन्होंने बीच में कोचिंग जाना छोड़ दिया था, एलन कोटा उन्होंने जाना छोड़ दिया, जो कि हमें बिल्कुल ही सत्य नहीं लगता है। अगर हमारा मानना है कि अगर हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे मम्मा, मतलब अगर आप लोग भी सोच लीजिए, अगर आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी या पापा या कोई भी घर का इंसान अगर आपके साथ कोटा जा रहा है, कोटा हम ध्यान दीजिएगा कोटा की बात करें, अगर कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप उनके सामने कोचिंग जाना छोड़ चुके थे, बीच में आपने कोचिंग जाना, आपका मन भटकने लग गया, तो हम ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि आप अपने पेरेंट्स के सामने ये गलती कर रहे हैं। अगर आप ये गलती कर रहे हो और आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, फिर शायद हम भारतीय नहीं हैं, आप भारतीय नहीं हैं, हमारा मानना है। देखिए ये बात उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सत्य है जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, उन्हें पता होगा ये चीज़। जो कोटा के अगर बच्चे कोई सुन रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कोटा से हैं, कोटा में है मतलब, तो जो वो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं उन्हें पता है कि हाँ ठीक है उनके साथ ये चीज़ें होती हैं कि चलो वो किसी दिन नहीं गए, उनका मन नहीं करता, कभी कभी मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो समझ आता है उनके लिए, ये चीज़ समझ आती है क्योंकि वो हॉस्टल में अकेले रहते। पर जिनके साथ उनके पेरेंट हैं, मतलब उनकी मम्मा है, उनका छोटा भाई है, तो हमें नहीं लगता कि वो इंसान कभी भी एलन नहीं जाएगा। मतलब एलन हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इतने पैसे लगे हैं, अब इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर आपके साथ आपके पेरेंट हैं, आप उनके सामने भी नहीं जा रहे हैं, तो ये बात हमें थोड़ी हजम सी नहीं हुई। चलिए रक्षिता मैम की जो कोचिंग ना जाने वाली बात है और ये कहने वाली बात है कि नहीं वो अपने पेरेंट के सामने भी, मतलब अपनी मम्मा के सामने भी कोचिंग जाना उन्होंने छोड़ दिया था, तो उन्होंने आखिरी में उनको 3 महीने में जो मोटिवेशन मिला, चलिए कोई बात नहीं, उस बात को भी एक तरफ कर देते हैं। अब ध्यान से जो एलन कोटा या फिर मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे पढ़ते हैं वो चीज़ ध्यान से सुनेगा, जिन्होंने कभी भी कोई भी मॉक अटेम्प्ट किया है तो आपको पता होगा जो मॉक पेपर होते हैं, जो नीट के मॉक पेपर होते हैं, उसमें बहुत सारे अननेसेसरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जो NTA का नीट और मॉक में इस तरीके से नहीं पूछे जाते, मॉक में चीज़ें बहुत टफ आती हैं जो कि नीट में दूर दूर तक नहीं होता।
आप में से काफ़ी लोग इस बात पे भी सहमत करेंगे, जिस बच्चे के 400 या फिर 450 मॉक में आ रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, और एलन कोटा वाले तो ध्यान से सुने, तो जो रक्षिता मैम है उन्होंने जितनी बार भी अपनी वो 3 महीने वाली वीडियो बनाई उतने बार वो चीज़ कहती हैं कि उन्होंने जब आखिरी वाला मॉक टेस्ट फॉलो किया था तब उनको कितना ज़्यादा दिक्कत होता था, ये वो जो भी वो कहते हैं उनके 400 450 मार्क्स होते थे, कितना डीमोटिवेट होती थी वो, फिर भी वो करती। तो वो जो चीज़ है हमको बहुत ज़्यादा खटकती है कि अगर आपके 450 मार्क्स आते थे मतलब उस टाइम पे मॉक टेस्ट में, तो हमारा नहीं मानना है कि आप कहीं से भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं एलन कोटा के, शायद आप में से काफ़ी एग्री भी करेंगे, जितने भी एलन कोटा के बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ पे थोड़े मार्क्स रहना मुश्किल है क्योंकि मॉक बहुत ज़्यादा टफ आता है एज कम्पेयर टू। सबसे ज़्यादा जो मिसलीडिंग बात हमको लगती है रक्षिता मैम के बारे में वो वही है जो 3 महीने वाली जो वीडियो होती है उनकी, जो वो बताती हैं कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत किया, 3 महीने में कैसे नीट कराया, क्या एवरेज स्टूडेंट ये वो, तो हमको बहुत ज़्यादा वो गलत लगता है, वो लिटरली एक मिसलीडिंग चीज़ है। देखिए एक और बात, इन्होंने एलन कोटा से पढ़ाई की है जैसा आप सब लोग जानते हैं, और जितने भी एलन कोटा के बच्चे होंगे फिर एलन के ही बच्चे होंगे या किसी भी इंस्टीट्यूशन के बच्चे होंगे, तो आपको पता होगा अगर आप पैसे देते हैं इतने पैसे लाखों में अगर आप पैसे दे रहे हैं तो आपका इंस्टीट्यूशन आपकी गारंटी ज़रूर लेता है। गारंटी एज इन आप नहीं जाते वो आपकी गलती है, पर आपका अगर आप जाएंगे तो आपको पता है कि इंस्टीट्यूशन ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ पे टीचर नहीं है, टीचर गायब हो गया, टीचर नहीं है, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, या फिर आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलते, आपको हर तरीके से सपोर्ट तो किया जाता है, मानते नहीं बात। जो नॉर्मल बच्चा होता है जो कि घर के अंदर पढ़ रहा होता है, जो सेल्फ स्टडी कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा एलन के मटेरियल के लिए तलाश में होता है कि एलन के मटेरियल मिल जाए कहीं से पढ़ने के लिए। तो रक्षिता मैम का ये कहना कोटा जाकर भी पढ़ाई नहीं की थी, मतलब पढ़ाई ऐसे इनकी उन्होंने आखिर के 3 महीनों में ही जो किया तभी किया, नहीं तो उससे पहले तो कुछ भी उन्होंने किया नहीं था, वो भी अपनी मम्मी के सामने, तो वो चीज़ तो हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आई। दूसरी बात ये कि ये कहना कि नहीं बिल्कुल ध्यान नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो आपको एलन कोटा की मटेरियल मिल रहे हैं, एलन कोटा के टीचर्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ इतना अच्छा मिल रहा है, अगर आप फिर भी ये चीज़ कह रहे हैं तो हमें तो बहुत अजीब ही लग रही है। देखिए हमारा ये कहना है कि अगर आप मिडिल क्लास एक बिलो मिडिल क्लास से मिडिल क्लास मिली, अगर आप बिलो मिडिल क्लास से हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है लड़कियों को, जो लड़कियाँ होती हैं उनको काम करने के बाद नहीं पढ़ाई करने मिलता है, उन्हें काम करना ही पड़ता है, ये चीज़ हम जानते हैं, कोई भी ये नहीं कहेगा। हाँ, जिनके घर वाले समझते हैं उनके समझते हैं, जिनके नहीं समझते उन्हें पता है कि उनके बिल्कुल भी नहीं समझते, उनको पूरा काम करना। एक बच्चा जो एलन कोटा में जाके पढ़ाई कर रहा है, हमको ऐसा लगता है कि वो बच्चा वैसे ही जो नॉर्मल बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होता है उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे को अपने घर का एटमॉस्फेयर भी देखना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उसका उसमें दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि घर में काम आ गया, घर में कोई काम शुरू हो गया उसमें उसका दिमाग ख़राब हो गया, त्यौहार है घर के अंदर ही बन रहे हैं तो उसमें उसका दिमाग ख़राब हो गया, तो ये सारी चीज़ें एक एलन कोटा या फिर जो भी बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है वो सब ये चीज़ें नहीं फेस करता है, क्योंकि उसके पास उसका रूम है, उसके पास अकेले, वो हर एक चीज़ों से दूर है। देखिए पता नहीं हमें ये चीज़ कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, जब हम इनकी वन शॉट वीडियोस देख रहे थे, मतलब वन शॉट वीडियो हम पढ़ने के लिए नहीं देख रहे थे, हम जब ये वीडियो बनाने के लिए देख रहे थे, क्योंकि देखना तो पड़ता है कमेंट सेक्शन में लोगों ने क्या पॉइंट आउट किया क्या नहीं किया, तो उसमें काफ़ी सारे हमने ऐसे कमेंट्स देखे थे जिसमें ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो लेक्चर वो दे रही हैं, वो लेक्चर समझा रही हैं बच्चों को, जो पढ़ा रही हैं, वो लेक्चर आधे से ज़्यादा मॉड्यूल से मतलब आकाश के मॉड्यूल से वो सब कुछ उठाकर बच्चों को बस बता रही है, उनकी खुद की इन पर कोई मेहनत नहीं है। तो इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर पे आप अंधाधुंध ही विश्वास कर रहे हैं कि जो वो पढ़ा रहा है वही पढ़ा रहा है, वो जो बोल रहा है वही सत्य बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और यूट्यूब पे आप सब जानते हैं सब अपना वॉच आवर कंप्लीट करने ही आए हैं, सब यहाँ पे पैसे कमाने ही आए हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपना लाइफ सेक्रीफाई करके आपके लिए करेगा, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कि ऑडियंस है उन्हें आप गलत चीज़ें बिल्कुल मत बोलिए, और स्पेशली आपकी नीट एस्पिरेंट है, मतलब उनको साल में 2 अटेम्प्ट भी नहीं है, अगर उनका ये साल ख़राब हुआ तो आप सीधे अगले साल का उनको वेट करना पड़ेगा एक नया एग्ज़ाम देने के लिए, नया नीट, तो वो चीज़ बहुत गलत है। उनके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, मतलब अगर एक दिन गया तो दिन गया ही। बाकी जितने भी बच्चे 2024-2025 का नीट देने वाले हैं, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, मत पड़िए किसी कंटेंट क्रिएटर के चक्कर में, अपने घर के पास वाले किसी भी कोचिंग में जाइए, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, उनको ये चीज़ की अश्योरिटी लेनी पड़ेगी कि वो आपका सिलेबस कंप्लीट करें, वो आपको पढ़ाएंगे, वो आपको डेली पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि आज वो वीडियो नहीं अपलोड कर पाएंगे, वाईफाई का इशू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला आपके साथ। और अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं या फिर घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो जो पुरानी वीडियोस हैं उनसे पढ़ाई करिए, नई वीडियो के चक्कर में मत पड़िए, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। आखिरी में ये ज़रूर कहेंगे कि हमें ऐसे कोई उनसे दिक्कत नहीं कि वो वीडियो क्यों बनाती हैं, वीडियो उनकी एकदम ही बेकार होती है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी वीडियोज़ अच्छी भी होती हैं, जो उनके वन शॉट वगैरह होते हैं वो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल भी होते हैं, और साथ ही साथ वो जो मोटिवेशन देती रहती है, हम ऐसा लगता है वो बहुत लोगों को ज़रूरत भी होती है, बच्चे ऐसी मोटिवेशन ले लेके नीट भी क्रैक कर लेते हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है मोटिवेशन लेना।
पर बार बार ये चीज़ कहना कि मैंने 3 महीने में ही कर दिया था, मैंने यही कर लिया तो वही कर लिया, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत हमको। और भी ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्ट्रेट बातें को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल, आबाद रहें, मस्त रहें, चाहे बनारस रहें या धनबाद रहें। धन्यवाद, नमस्ते।